नमस्ते भैया बहनों, संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं के लिए हमारा जो पाठ चल रहा था सुचि पर्यावरणम, उसी से संदर्भित, उसी से संबंधित आज हम चौथा और पांचवा अंतर लेकर के आए हैं। इस अंतरे में ही हमें वापस उसी पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें मिलेंगी, यानी कवि नगर सभ्यता का एक तरह से खंडन करते हुए कहता है कि प्रकृति से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनको हमें अपनाना चाहिए, नगर सभ्यता को हमसे एक तरह से दूर हटना चाहिए। हम देखेंगे इसमें कवि क्या बताता है। कवि अपनी मन इच्छा अभिव्यक्त करता है। कवि कहता है कि किंचित कालम ने माम अस्मात नगरात बहुत दूरम। कवि कह रहा है कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि, देखना चाहता हूँ ग्रामांते, गांव के अंत में, गांव के बाहर, निर्जर नदी पयपुरम, निर्जर झरनों को, नदियों को और जलाशयों को। कवि कहता है कि गांव के बाहर जो नदी है, जलाशय हैं और झरने हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ, प्राकृतिक सुंदरता को निहारना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमापि, एकांत वन में यदि क्षण भर के लिए भी, एक पल के लिए भी यदि मैं संचरण करता हूँ, विचरण करता हूँ, तो मेरे लिए ये सबसे उत्तम समय होगा। कवि कहता है कि हमें शुद्ध पर्यावरण को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारे जीवन का आधार है। अगले श्लोक में कहता है, अगले अंतरे में कहता है, हरित करुणाम, हरे वृक्षों का, ललित लता नाम, सुंदर बेलों का माला, पंक्तियाँ रमणियाँ हमारे लिए सुंदर हैं, हमें वो ही लगानी चाहिए, हमारे आसपास उनका वातावरण बनाना चाहिए। आगे कह रहा है, कुसुमावली, फूलों की पंक्तियाँ, समीर चलिता, जो हवा द्वारा चलायमान है, हवा द्वारा जिनको हिलायमान कर रही है, हवा उनको हिला रही है, स्यात में वर्णिया, उनका ही मुझे वरण करना चाहिए, उनको ही मुझे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। नव मालिका, नई चमेली की बेल, रसालम मिलित्वा, आम के वृक्ष से मिलकर, रुचिरम संगमनम, रुचिर का मतलब सुंदर, संगम, एक संगम प्राप्त कर रही है, एक बंधन प्राप्त कर रही है, ऐसा बंधन मुझे अपनाना चाहिए, देखना चाहिए, प्रकृति की शोभा मुझे निहारनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही जीवन का आधार है। इस नाते से कवि कह रहा है कि मानव को, मनुष्यों को अपने आसपास एक नगरीय सभ्यता को दूर हटा करके एक प्राकृतिक वातावरण अपनाना चाहिए, लगाना चाहिए। अब इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है माम अस्मात नगरात, ये संधि हो रही है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो माम धन अस्मात और नगरात, ऐसे तीन शब्दों की ये संधि हो रही है। यहाँ हम संधि देखेंगे तो ये अनुनासिक संधि बन रही है, अनुनासिक। इसके बाद में फिर इन दोनों के बीच में भी अनुनासिक संधि बन रही है, जो व्यंजन संधि की, यानी व्यंजन संधि का भेद है। अनुनासिक संधि जो है, वह व्यंजन के उसमें आती है, यानी व्यंजन का भेद है। इसके बाद में प्रपश्यामि धातु रूप है, प्रपश्यामि का अर्थ है देखना चाहता हूँ, उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। इसके बाद आगे हम देखेंगे हरित तरुणाम, हरिता नाम तरुणाम, ये समास विग्रह है, ठीक है। ऐसे ही ललित लता नाम कर्मधारी समास से है, ललित लता, ललिता नाम लता नाम, ठीक है, ये कर्मधारी समास के उदाहरण है दोनों। रमणिया में रम धातु और अनियत प्रत्यय है, ऐसे ही वर्णिया में भी वर धातु और अनियत प्रत्यय है।
यहाँ देखेंगे मिलित्वा, मिलित्वा में मिल धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय है। ये हमारे जब हम व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में हमारे टिप्पणी के शब्द हैं, यानी इनको हम व्याख्या की टिप्पणी में लिखेंगे। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको हमें टिप्पणी में लिखना चाहिए। अब इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाएंगे, जैसे कभी किंचित कालात पुत्र गंतुम इच्छति, कभी कुछ समय के लिए कहाँ जाना चाहता है, ठीक है? तो उत्तर हो जाएगा नगरात बहिर, अस्मात नगरात बहिर लिखे या नगरात बहिर। कभी ग्राम अंते किम पश्यति या पश्यन इच्छति, गांव के बाहर कभी क्या देखना चाहता है, तो आएगा निर्जर नदी पयपुरम। उसके बाद में कभी पुत्र संचरणम इच्छति, कभी कहाँ संचरण की इच्छा करता है, तो आएगा एकांते कांतारे। उसके बाद में ईदृशी कुसुमावली समीरचारिता, ईदृशी कुसुमावली या कुसुमावली कीदृशः, ये प्रश्न बन जाएगा कि कुसुमावली कैसी है, तो आ जाएगा उत्तर समीरचारिता। समीरचारिता किम, तो उत्तर हो जाएगा कुसुमावली, ठीक है? ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से बनेंगे। आप इसका हिंदी अनुवाद, इसके महत्वपूर्ण जो व्याख्या के बिंदु हैं उनको सभी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और व्याख्या के लिए तैयार करें। अगले अध्याय के लिए हम आगे की और जो शेष भाग है ये लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।